अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं किचन विद सोनिया। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बीफ सी कबाब। बीफ सी कबाब बनाने के लिए मैंने कीमा लिया है 1.5 किलो। इसमें हम लहसुन अदरक प्याज का पेस्ट ऐड करेंगे। लहसुन अदरक प्याज को मैंने पहले ही चॉप कर लिया था, इसको हम कीमे के अंदर ऐड कर लेंगे। इसके अलावा 1 चम्मच मैंने गरम मसाला लिया है, इसको भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके अलावा 1 चम्मच लाल दलदली मिर्ची है, इसको हम कीमे में ऐड कर देंगे। इसके बाद 1/2 चम्मच सफ़ेद मिर्च है मेरे पास, इसको हम कीमे में ऐड करेंगे। इसके अलावा काली मिर्च है, इसको भी हम 1/2 चम्मच कीमे में ऐड कर देंगे। इसके अलावा 1 चम्मच नमक लिया है मैंने, इसको कीमे में ऐड करेंगे। और 3 चम्मच हम बेसन लेंगे, इसको हम कीमे में ऐड कर देंगे। बेसन को मैंने तवे पे अच्छी तरह भून लिया था। इसके अलावा मैदा है मेरे पास, मैदा हम 2 चम्मच मैदा हम कीमे में ऐड कर लेंगे। इसके अलावा 2 अंडे लिए हैं मैंने, इसको हम कीमे के अंदर ऐड कर लेंगे। अब इन सब को अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे ताकि कीमे के अंदर सारे मसाले अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। कीमे में सब मसाले अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं, अब इसको हम एक लेंगे। अगर किसी के पास चॉपर मशीन नहीं है तो कोई बात नहीं, हम इसको अच्छी तरह कूट भी सकते हैं। कीमे को हमने अच्छी तरह चॉप कर लिया है, अब इसको हम आधे घंटे के लिए फ्रीज़र कर देंगे। आधे घंटे के लिए हमने अपना कीमा फ्रीज़र में रख दिया था, अब इसके हम कबाब स्टार्ट करेंगे। ठंडा पानी मैंने लिया है, कबाब हमारे सारे तैयार हो गए हैं, अब इसको हम फ्राई करेंगे। जैसे जैसे हमारे कबाब रोन होगा हम इसको पलटते जाएंगे। हमारे बीफ सी कबाब रेडी हैं, बहुत ही मज़े के कबाब तैयार हुए हैं। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक कीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।